महक। तो क्या चाहती है महक? क्या चाहती है कि अंजलि मर जाए? इतनी नफरत करती है तू उससे। वो प्लीज हमें खुद से दूर मत अकेली। कहीं पर अपन अंजलि से चल के हम लोग पास। आज आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका बेटा हूं ना, जो कहना है ना मैं मुझसे कहो, मैं हंस के चुप करके सुनूंगा। लेकिन महक के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चाहे सामने मेरी माँ क्यों ना हो। देखो लल्ला, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, कह दिया हमने बस। माँ, महक भाभी प्रॉपर्टी के लिए कोई केस वेस ना कर दे। कलयुग है, सीता होना इतना आसान नहीं है। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या होगा बेचारी सीता का? आपने यहाँ से कुछ भी लेके जाने को मना किया था ना, मैं बस ये लेके जा रहा हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप मेरी माँ थी और हमेशा रहेंगी। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे? मदद करिए इस ब्लीडिंग। इनका तो बहुत खून भरा है, कुछ करना पड़ेगा। चलते किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ब्लड बैंक से पैसे देकर ही ब्लड मिलेगा, हम वेट नहीं कर सकते, हम ब्लड लेके आइए सर। मासी के दिए कंगन गिरवी रखे, जो पैसे मिले उनसे इनकी मदद कर दी। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हमारी मदद कौन करेगा? कोई मदद नहीं करेगा इनकी, पानी तक के लिए तड़पेंगे ये दोनों, ये और इसकी बेवकूफ माँ। माँ चलिए आज आपको मैं सर्व कर देती हूँ। अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कहीं मैं एक भाभी की याद तो नहीं आ रही ने? 50,000 पेट्रोल एंड माँ आप भी क्या सरदर्दी का खाता लेकर बैठी हो? लाओ आज से हिसाब का खाता मैं संभालती हूँ। माँ आपको अंजलि के साथ वक्त बिताना चाहिए, ये सब काम मैं देख लूंगी। मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। वैसे तो महक को अंजलि की फिक्र नहीं थी, पर पूरा घर अपने कब्जे में लेने के लिए कितना नाटक करती थी। माँ 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 ये क्या है? घर की जिम्मेदारी अब तू देखना। नहीं नहीं माँ, मैं ये नहीं ले सकती। आप और मासी इस घर के बड़े हो, आप दोनों के होते हुए ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। क्या चल रहा है यहाँ? नशा कर रहे हो या कुछ और? ए, behave yourself. एक मिनट सर, आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? बोले मत बनो तुम दोनों, पब्लिक प्लेस में लिबट चिपट के बैठे हो और बातें देखो, घर से भाग के आए हो या बताया नहीं, क्या लफड़ा है तुम दोनों का? ए, मेरे तमीज से बात करो। तमीज तुझे ये सिखाएगा, तुम झावन लाल नाम है इसका। पाक बंद हो गया है, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? देखिए हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसीलिए। ये भगा के लाया क्या? कहाँ से हो तुम दोनों? कोई भगा के नहीं लाया है। देखिए मैं एक मिनट यार, इनको बताना होगा कि मैं कौन हूँ, तब तेरा मुंह बंद होगा। रुक, आईडी तो घर पर छूट गया। क्या हुआ भाई, बताएगा नहीं कौन है तू, या फिर डरा रहा था मुझे? अपना अपना फोन निकालो, बात करता हूँ कमिश्नर से मैं। फोन निकालो अपना। शौर्य तेरे जैसे 30 आते हैं यहाँ,
कोई कमिश्नर से बात कराता है तो कोई पीएम से, और बाद में सारे लाठी खा के जाते हैं। सलाम साहब, इसी दिन तुम दोनों को काम से निकाल दूंगा, जब देखो शराब पी के चले आते हो। ये शराब नहीं साहब, ये दवाई है, वो भी इस गरीबी की। ठीक कह रहा है ये, बिल्कुल करेक्ट। ज्यादा कभी मत बन, चलो भागो इसे। ये ठीक नहीं कर रहे साहब, चलो चलो, गलत कर रहे हैं साहब, देखेंगे। क्या हुआ शौर्य, क्या देख रहे हो? मैं तुम ये रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ से कहीं जाना मत। सर देखिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप जो काम देंगे मैं कर लूंगा, जितने पैसे देंगे मैं उतने में काम कर लूंगा। कमाई चुरा के कहां ले जा रहा है? अगर तू नहीं आता तो सुपरवाइजर झक मार के हमें बुलाता। जा, पैसे दे हमारे। ये मेरी मेहनत की कमाई है। ए? पैसे लेके कहां जा रहा है? पैसे दे मेरे, तेरे पैसे वापस कर वरना बचेगा नहीं तू। तेरे पैसे नहीं है मेरे पास, पीछे हट जा वरना फेंक दूंगा पैसे। तू ऐसे कुछ नहीं करेगा, मेरे पैसे तेरे नहीं होंगे ना तो तेरे भी नहीं होंगे। चुप चुप, पीछे हट, फेंक दूंगा मैं पैसे। करेगा चोरी, ऊपर से सीधे चोरी, पैसे छोड़, पैसे छोड़। अब तू यहाँ से निकल। दादा निकल, नहीं ये हाथ तेरे जिस्म पे नहीं रहेगा। निकल यहाँ से। मैं राहुल बजाज फ्रॉम मुंबई। मेरी भी मुंबई में रेस्टोरेंट की चेन, और मैं दिल्ली में एक्सपेंड करने की सोच रहा था। मेरी चेन दिल्ली में सेटअप आपको करनी है, पैसा मेरा, काम आपका और प्रॉफिट बराबर। अजीब नहीं है, तुम जिस दिन जॉब के लिए इतना परेशान हो रहे थे उसी दिन तुम्हें अपना मनपसंद काम मिल जाता है। बेबी आटा लग गया मुँह में, अब मछली लड़ देगी। बाय बाय शौर्य भैया, महक भाभी, रेस्ट इन पीस। अब हमें बाबा को भी ठगना पड़े, विधवा होकर सुहागन बनना पड़े, लेकिन अब ये विधवा सुहागन ये हार बनाएगी खास आपके लिए प्रवीण जी। ये फंदा सिर्फ आपके खातिर नहीं है प्रवीण, आपके साथ साथ सदा उन सबको मिलेगी। बुलाया अंदर? नहीं दी, वो सिमोनिका के डिटेल्स चेक कर रहे हैं। क्यों? दी भले ही अवंतिका अपने आप को अवंतिका प्रूफ कर चुकी, लेकिन आपकी तरह मुझे भी शक था कि वो सिमोनिका है, और फिर शूट आउट के बाद तो ये साबित भी हो चुका। लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने मूड के हिसाब से चलता हूँ, फिर कोई मुझे अच्छा समझे या बुरा। समझ गए। तुम कुछ नहीं समझे, अगर समझना होता ना तो हुँ? कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम इतनी बड़ी बात हजम भी नहीं कर पाओगे। तुम एक बार बोलकर तो देखो। हमने इन दोनों लड़कियों को मौका दिया अपने आप को साबित करने का, अब तुम्हें यह फैसला लेना है कि
कि तुम्हारी पत्नी और सिन्हा खानदान की बहू बनने लायक इनमें से कौन है।